हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बैटल रॉयल ये 2000 की एक्शन थ्रिलर ड्रामा मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। 42 नाइन्थ ग्रेड के स्टूडेंट्स को एक डेजर्टेड आइलैंड पर ले जाया जाता है। वहाँ पर अगर उन्हें जीना है तो एक दूसरे को मार डालना है। यही आज की मूवी की हमारी स्टोरी है। इस मूवी से बहुत सारे गेम्स और मूवीज भी इंस्पायर्ड है। ये एक जापानीज मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग 7.6 और रोटेन टोमेटोज पर इसे 88% है। तो चलिए इस मूवी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है। सदी स्टार्ट हुए और 15% अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से 10 लाख लोगों के जॉब चले गए। 8 लाख बच्चों ने स्कूल छोड़ दी। उसकी वजह से बहुत ज्यादा क्राइम बढ़ गया। बड़े लोग बच्चों से डरने लग गए, इसीलिए उन्होंने एक एक्ट पास किया जिसका नाम है BR एक्ट, यानी कि बैटल रॉयल एक्ट। इस एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट किसी भी स्कूल को चूज कर सकती है। उसमें से एक क्लास को चूज कर वो लड़ाई करवाने वाले हैं। इसके बाद मूवी के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो लड़की बैटल रॉयल में जीती थी उसे बहुत बड़ी मीडिया कवरेज मिल रही है। ये खून से लथपथ है और इसके चेहरे पर एक विशेष स्माइल है। हमारी फिर मूवी की स्टोरी हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है नानाहारा, ये बताना स्टार्ट करता है। ये कहता है कि जब मैं 4th ग्रेड में था तब मेरी मदर मुझे छोड़कर चली गई। उसके 7th ग्रेड के फर्स्ट डे पर जब वो घर पर आया तब उसके फादर ने खुदकुशी कर ली थी। उसके बाद उसे पता नहीं था कि उसे करना क्या है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम एक टीचर देखते हैं जिनका नाम है कवाड़ा। ये क्लासरूम से जब बाहर निकलते हैं तो एक लड़का इनके पैर पर चाकू मार देता है। चाकू मारने वाले लड़के का नाम नोबू था। नोबू के हाथ से चाकू गिर गया था। अगर ये चाकू कवाड़ा को मिल जाता तो नोबू ट्रबल में आता। तो उसकी फ्रेंड जिसका नाम था नोरिको, उसने चाकू उठा लिया और छुपा दिया। उसके बाद वो टीचर स्कूल छोड़कर चले गए। स्कूल के सब बच्चों की लाइफ नॉर्मल से चल रही थी। एक दिन वो ट्रिप पर जा रहे थे। इस ट्रिप पर हम देख सकते हैं कि नोरिको नानाहारा के पास आती है। उसने नानाहारा के लिए कुछ कुकीज बेक की थी, वो उसे दे देती है। एक्चुअल में नोरिको को नानाहारा पर क्रश है। इनके पास कैमरा है तो नानाहारा, नोबू, नोरिको ये सब पिक्चर लेते हैं। कुछ समय बाद हम डायरेक्टली देख सकते हैं इस बस के सब बच्चे ड्रग ठोकर बेहोश पड़े हुए हैं। इन्हें एक डेजर्टेड आइलैंड पर ले जाया जाता है और क्लासरूम में रखा जाता है। ये सब होश में आते हैं तो डायरेक्टली इसी क्लासरूम में है। ये जब आसपास देखते हैं तो इनके क्लासरूम में और भी दो अलग बच्चे हैं। थोड़ी देर में हेलीकॉप्टर आता है और वहां से कवाड़ा उतरते हैं। कवाड़ा वही टीचर है जिसको नोबू ने पैर पर चाकू मारा था। कवाड़ा क्लासरूम में आकर कहते हैं कि मैं फिर से अब तुम्हारी क्लासरूम का इंचार्ज बन चुका हूँ। दो नए बच्चे यहाँ पर है तो कवाड़ा कहते हैं कि ये दोनों ट्रांसफर स्टूडेंट्स है, इनसे तुम सही से पेश आना। यहाँ पर जब वो नोबू को देखते हैं तो उसके पास जाकर उसे कहते हैं कि तुमने मुझे बहुत ही हर्ट कर दिया था, तुम्हें उसके बाद स्कूल छोड़ देनी चाहिए थी। कवाड़ा फिर बोर्ड पर BR एक्ट लिखते हैं। यहाँ चल कह रहा है ये स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता। कवाड़ा कहते हैं कि तुम लोग एडल्ट्स का रिस्पेक्ट नहीं करते, इसीलिए तुम्हारे लिए ही स्पेशली ये रूल बनवाया गया है। स्टूडेंट जब अपने टीचर के बारे में पूछते हैं तो कवाड़ा डायरेक्टली उनके टीचर की लाश यहाँ पर लाता है। सब बच्चे बहुत ही डर जाते हैं। क्लासरूम में फिर स्क्रीन लाया जाता है जहाँ पर एंकर लेडी इस गेम के सब रूल्स बताने वाली है। वीडियो जरा से स्टार्ट होती है और एक लड़की बातें कर रही होती है। कवाड़ा चाकू लेकर डायरेक्टली उसके सर में डाल देता है। वो बोलता है कि मैंने सब लोगों को शांत बैठने के लिए कहा था। सब लोग और भी डर जाते हैं। सब भागने की कोशिश करते हैं पर उनके आसपास सोल्जर्स है तो कहीं भी भाग नहीं सकते। इसके बाद वीडियो फिर से प्ले होती है और हमें गेम के बारे में पता चलता है। ये सब लोग एक डेजर्टेड आइलैंड पर है जिसका रेडियस 10 किलोमीटर का है। इनको एक दूसरे को मार डालना है। इनके पूरे क्लास में एक ही बच्चा जिंदा रहेगा। अगर इन बच्चों ने टीम बना ली और डिसाइड किया कि वो एक दूसरे को नहीं मारेंगे तब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन सब लोगों को मार देंगे। इन सब के गले में एक डिवाइस है जो गवर्नमेंट एक्टिवेट कर उसे ब्लास्ट कर सकती है। जिस तरह से पबजी में जोन होता है उसी तरह से इस गेम में भी डेंजर जोन रहने वाले है। अगर कोई डेंजर जोन में रहा तभी भी उसके नेक का डिवाइस एक्सप्लोड हो जाएगा। नोबू को यह सब सही नहीं लगता और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। कवाड़ा गुस्से में उसका नेक का डिवाइस एक्टिवेट कर देते हैं। उसे निकालने की बहुत कोशिश करता है पर डिवाइस एक्सप्लोड होकर वो मर जाता है। नानाहारा उसका बेस्ट फ्रेंड है और उसे हेल्प करने की कोशिश करना चाहता था पर वो कुछ भी कर नहीं पाया। सब लोग अब बहुत ही डरे हुए हैं। फिर से वीडियो प्ले होती है। इन सब स्टूडेंट्स के पास सिर्फ 3 दिन है इस गेम को कम्प्लीट करने के लिए। अगर वो नहीं कर पाए तो फिर भी सब लोगों को मार दिया जाएगा। इन्हें एक बैग दी जाएगी जिसमें उनके लिए लाइफ सप्लाई और एक वेपन रहेगा। वेपन भी अलग अलग होंगे क्योंकि लाइफ में हर एक को अलग अलग अपॉर्चुनिटीज मिलती है। ये वर्ल्ड फेयर नहीं है। कवाड़ा कहता है कि लाइफ एक सर्वाइवल का गेम है, अब तुम्हें जानना है क्या तुम सर्वाइव कर सकते हो। सब लोग अपने अपने बैग्स लेकर एक एक करके वहां से भागते हैं। नानाहारा जब क्लासरूम से जाता है तो बाहर नोरिको के लिए वो वेट करने वाला है। बाहर आकर एक लड़की को देखता है
तब उसके नेक में एक एरो है। ऑलरेडी ये गेम स्टार्ट हो चुका है। एरो वाला लड़का नानाहारा को भी मारने वाला था, तभी नोरिको आती है और ये दोनों वहां से भाग जाते हैं। इस एरो वाले का फ्रेंड भी बाहर आया। वो अपने फ्रेंड को नहीं मारना चाहता था, पर खुद के प्रोटेक्शन के लिए उसने उसको मार डाला। खुद के सर्वाइवल के लिए एक सेकंड में दोस्त दुश्मन बन चुके हैं। नानाहारा और नोरिको भागते भागते समुन्दर के पास एक केव में छुप जाते हैं। नोरिको के पास बायनोक्यूलर्स है और नानाहारा के पास एक शील्ड। इन वेपन से वो किसी को भी हर्ट नहीं कर सकते। नानाहारा नोरिको से कहता है कि हमारे फ्रेंड्स के साथ हम रह सकते हैं, उस तरीके से हम सेफ रहेंगे। नोरिको कहती है कि नहीं, मैं किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकती। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें नोरिको को कुछ लड़कियां बहुत ही चिढ़ा रही थी। इसका रीजन क्या था ये मूवी में आगे हमें पता चलेगा। नानाहारा को अपने फ्रेंड नोबू के लिए बहुत बुरा लगता है। नानाहारा और नोबू ये दोनों रूममेट्स थे। एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि नोबू नानाहारा से पूछता है, क्लासरूम में या तुम्हें कोई लड़की पसंद है? नानाहारा पूछता है, या तुम्हें कोई पसंद है? नोबू कहता है कि मुझे कोरिको बहुत पसंद है, उसने मुझे आ जाकर ट्रिप पर चलने के लिए भी बोला। नोरिको नानाहारा से कहती है कि मुझे लगता है कि ये सब मेरी ही गलती है, मैंने ही उसे इस ट्रिप पर इन्वाइट किया था। नानाहारा कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो खुद आना चाहता था, वो खुद अपने आप को दोषी मानता है। वो कहता है कि मुझे उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए था। वो नोरिको को प्रॉमिस करता है, कुछ भी हो जाए लास्ट तक मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम ट्रांसफर स्टूडेंट जिसका नाम है किरियामा, इसको देखते हैं। कुछ बच्चों ने टीम बना ली है और मिलकर सब लोगों को मार रहे हैं। इन्होंने किरियामा को भी पकड़ लिया है। इनके पास मशीन गन, हैंड ग्रेनेड्स, इस तरह के खतरनाक हथियार है। ये किरियामा को मारने वाले थे, तभी इसने उनसे मशीन गन छीन ली और सब पूरे ग्रुप को मार डाला। ये हमारा बहुत ही डेंजरस कैरेक्टर है। इसके नेक्स्ट सीन में एक कपल हम देख सकते हैं। किसी को मारना इन्हें पसंद नहीं है, तो गेम वो खेलना नहीं चाहते। इन्हें लगता है कि इनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो सुसाइड करना चूज करते हैं। एक क्लिप से वो जंप करते हैं। इसके बाद हमारा और एक मेन कैरेक्टर मित्सुको को हम देखते हैं। मित्सुको को एक कॉटेज में एक लड़की मिलती है। इस लड़की को लगता है कि मित्सुको उसकी फ्रेंड है, ये दोनों मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। इस लड़की का वेपन टेजर है। ये टेजर वो जब मित्सुको को दिखाती है तो इसी टेजर से मित्सुको उसे शॉक देना चाहती है। ये लड़की जब भागने लग जाती है तो मित्सुको एक सिकल से उसका गला चीर देती है। इसके बाद सुबह आती है, कौन कौन मर चुका है इसकी अनाउंसमेंट कवाड़ा करता है। इस आइलैंड के डेंजर जोन भी सबको अब पता चलते हैं। नोरिको और नानाहारा ये डेंजर जोन में आ सकते थे, तो ये दोनों आगे चलने लगते हैं। आगे चलते चलते नानाहारा को उसका एक फ्रेंड दिखता है, उसका वेपन एक्स है। नानाहारा इस लड़के को जानता है और इसे नहीं मारना चाहता, पर ये लड़का सुनता नहीं। ये डायरेक्टली नानाहारा पर अटैक कर देता है। ये जरा हिल जैसी जगह पर ही थे। जब ये वहां से रोल होकर नीचे गिरते हैं, तब जो नानाहारा को मारने वाला था ये खुद इंजोर हो जाता है। ये खत्म नहीं हुआ, तभी नानाहारा को और एक टॉपर लड़का मारना चाहता है। ये कहता है कि टॉप कॉलेज में सिर्फ मैं ही जाने वाला हूँ। इस टॉपर के पास गन है और वो उन्हें मारने वाला था, तभी इन्हें जॉन बचा लेता है। जॉन हमारा और एक मेन कैरेक्टर है। जॉन भी एक ट्रांसफर स्टूडेंट है जिसने गेम ज्वाइन किया है। जॉन नोरिको और नानाहारा को नहीं मारने वाला। अचानक से नानाहारा को दो लड़कियों की आवाज आती है। ये लड़कियां माउंटेन पर खड़ी होकर कह रही होती है कि इन्हें फाइट नहीं करने, ये मिलकर टीम बना सकते हैं। ये दोनों नानाहारा की फ्रेंड्स है। नानाहारा इसे पहचान लेता है तो उसे आवाज देता है। जॉन उसे रोक लेता है, कहता है कि ये दोनों अब बहुत ही डेंजर में है, अगर तुम उनके पास जाओगे तुम भी मर जाओगे। नानाहारा जॉन पर चिढ़ जाता है। वो कहता है कि तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो? जॉन कहता है कि इस तरह से तुम कुछ डिसीजन लोगे तो जल्द ही मर जाओगे। अगर तुम ये गेम नहीं खेलना चाहते, तुम्हारे पास एक ही बेस्ट ऑप्शन है, जाओ और सुसाइड कर डालो। इनकी कन्वर्सेशन चल रही थी, तभी उन दोनों लड़कियों को किरियामा जाकर मार डालता है। जॉन कहता है कि जल्दी से यहाँ से हम भाग चलते हैं, वरना वो हमारे पास भी आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मित्सुको के पास एक लड़की आती है। उस लड़की का एक बॉयफ्रेंड था जिसको मित्सुको ने पटा लिया था। मित्सुको ने जिस लड़की को कल रात मारा था वो इस लड़की की फ्रेंड ही थी। इस लड़की के पास गन है, फिर भी मित्सुको उससे लड़ती है और उसी गन से उसे मार डालती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नोरिको को जरा चोट आ गई थी। चोट की वजह से उसकी तबीयत खराब हो रही है। आइलैंड में एक घर वो देखते हैं और घर के पास पहुंचते हैं। जॉन ऑलरेडी वहां है। इस घर में कुछ मेडिसिन वगैरह थी जो नोरिको को वो देता है। वो अब जरा रेस्ट करती है। नेक्स्ट सीन में हम कुछ लड़के देखते हैं। उन्होंने इस आइलैंड पर एक कंप्यूटर ढूंढ लिया है। इसमें से एक हैकर है, इनके गले के डिवाइस को डीएक्टिवेट कर इनके खिलाफ वो रिवॉल्यूशन करना चाहता है। हैकर के एंसेस्टर्स ने भी रिवॉल्यूशन में पार्ट लिया था।
ये एक्ट वो गलत समझता है तो इसके खिलाफ कुछ करना चाहता है। उसे पता चल चुका है उसके नेक के डिवाइस में एक माइक्रोफोन है जिससे सब बातें कवाड़ा और उसकी टीम सुन सकते हैं। वो स्क्रीन पर कुछ चीजें टाइप करता है और ये सब चीजें अपने फ्रेंड्स को लाने के लिए कहता है। इन सब चीजों से वो बॉम्ब बनाने वाला है। इसके बाद एक लड़की को हम देखते हैं जिसका नाम है चिक्सुआ। चिक्सुआ को फिटनेस अच्छा लगता है तो इस आइलैंड पे भी वो रन करती है। उसके पास फिर एक लड़का आता है, वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ। ये लड़का कहता है कि शायद इस आइलैंड पर हम मर जाएंगे। उसके पहले उसे चिक्सुआ के साथ इंटीमेट होना है। वो उसे भाव नहीं देती तो ये लड़का उस पर एरो रख कर उसे रुकने के लिए कहता है। गलती से उससे एरो चलता है और चिक्सुआ थोड़ी सी इंजोर होती है। ये दोनों फाइट करते हैं और चिक्सुआ उसे मार डालती है। ये दोनों फाइट कर रहे थे तभी वहां मित्सुको आ गए। मित्सुको के पास अब गन है। चिक्सुआ वहां से जल्दी से भागती है पर फिर भी उसे एक गोली लग जाती है। एक जगह पर जाकर वो मर रही है तभी उसका फ्रेंड उसे मिल जाता है। इसका नाम है हिरोकी। वो हिरोकी को पसंद करती थी। हिरोकी उसे सहारा देता है और उसके आर्म्स में ही वो मर जाती है। इसके बाद हम फिर से नोरिको, नानाहारा और जॉन को देखते हैं। नोरिको रेस ले रही थी और वो जाग चुकी है। जॉन अब उसकी खुद की स्टोरी इन दोनों को बताता है। वो कहता है मैं और मेरी गर्लफ्रेंड कुछ सालों पहले हम दोनों इसी गेम में थे। ये एक दूसरे को मार नहीं सकते तो इनके दोनों के नेक के डिवाइस एक्टिवेट हो चुके थे। इनमें से किसी ना किसी को तो मरना था। जॉन की गर्लफ्रेंड ने उस पर गोली चलाई। जॉन ने फिर उसे मार डाला। मरते मरते गर्लफ्रेंड की फेस पर स्माइल थी। उसने जॉन को थैंक यू कहा। इन दोनों के एक साथ फोटो है वो नोरिको को दिखाता है। नोरिको कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे बहुत प्यार करती थी, उसने जानबूझकर ये सब किया। जॉन अभी भी फिगर आउट नहीं कर पाया कि उसकी गर्लफ्रेंड मरते मरते उसे इतनी स्माइल कैसे देकर गई। ये सब बात ही कर रहे थे तभी किरियामा एक लड़के को मारते मारते वहां पहुंच गया। उस लड़के को उसने मार डाला और नोटिस किया घर में कुछ लोग हैं। उसने घर में बॉम्ब डाला, सब लोगों पर गोलियां चलाए। ये इन सबको मार सकता था तो नानाहारा उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वहां से भागने लग गया। उसने जॉन और नोरिको को दोनों को सेव कर दिया। नानाहारा एक जगह पर स्टक हो गया। किरियामा उसे मारने वाला था तभी किरियामा की गन स्टक हो गई। नानाहारा का एक फ्रेंड वहां पहुंच गया और उसने नानाहारा को बचा लिया। किरियामा अभी भी उन्हें मार सकता है तो इन दोनों ने पानी में जंप मार दिए। इसके बाद हम देख सकते हैं कि हैकर्स और उसकी टीम ने अब बॉम्ब बना लिया है। वो प्लान बना रहे हैं कि वो कवाड़ा के पास जाकर उन सबको मार डालेंगे। जब सुबह होती है तो नानाहारा एक लाइट हाउस में है। उसके पास एक लड़की है जिसने उसे मलम पट्टी की है। ये उसकी और एक फ्रेंड है। नानाहारा उसकी फ्रेंड को कहता है कि नोरिको और जॉन एक साथ है। जॉन के पास एक प्लान है जिससे वो हम सबको बचा सकता है। ये लड़की नानाहारा को रेस्ट करने देती है और अपनी दूसरी फ्रेंड्स के पास आ जाती है। इन लड़कियों के ग्रुप में एक लड़की है। उसे लगता है कि उसके बॉयफ्रेंड को नानाहारा ने मार डाला है। उसका बॉयफ्रेंड एक्स वाला लड़का था। नानाहारा उसे मारना नहीं चाहता था। नानाहारा को कुछ खाने के लिए देने वाले थे। ये लड़की बदला लेने के लिए उसके खाने में जहर मिला देती है। बाहर से दूसरी फ्रेंड आती है। रेडी खाना देखकर वो खाने लग जाती है। पॉइजन था तो ब्लड की उल्टिया कर इंस्टेंटली वही मर जाती है। अब सब फ्रेंड्स एक दूसरे पर शक करने लगती है। ये खाना जिसने बनाया था उन्हें लगता है कि उसने ये किया होगा। एक फ्रेंड खाना बनाने वाली को मारने वाली थी तभी खाना बनाने वाली ने एक गन ली। इन दोनों में फाइट हो गई और ये दोनों मर गए। एक दूसरे पर सब लोग शक करने लग गए और एक दूसरे को उन्होंने मार डाला। जिस लड़की ने पॉइजन मिलाया था वो नीचे छुप गई थी और वो बच गई। उसकी वजह से उसकी इतनी सारी फ्रेंड्स मर गए तो उसे बहुत पछतावा हुआ। बाहर जाकर उसने खुदकुशी कर ली। नानाहारा थोड़ी देर में उठकर जब बाहर आता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। इसके बाद हम फिर से नोरिको के पास आते हैं। वह जब सोई हुई थी तब उसे सपना आता है जिसमें वो नदी के पास कवाड़ा के पास है। एक्चुअल में कवाड़ा एक बहुत ही गलत आदमी है। नोरिको को पसंद करता था और हमेशा से उसे अनअप्रोप्रिएटली बातें करता था। नोबू को भी नोरिको अच्छी लगती थी और उसे पसंद नहीं आया। उसने बदला लेने के लिए कवाड़ा के पैर पर चाकू मारा था। नोरिको को लड़कियां चिढ़ाती थी, इसका रीजन भी कवाड़ा ही था। लड़कियों को पता चल गया था कि कवाड़ा नोरिको को पसंद करता है। नानाहारा इंजर्ड है पर फिर भी नोरिको को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वो चक्कर आकर नीचे गिरता है और उसके सपने में उसका फ्रेंड नोबू आता है। उसे कहता है कि नोरिको का हमेशा ख्याल रखना। वो फिर से उठकर आगे चलने लगता है। नोरिको और जॉन एक साथ है। ये दोनों डेंजर जोन में आ चुके हैं तो जल्दी से वहां से भागते हैं। नोरिको पीछे रह जाती है और जॉन आगे निकलता है। जॉन नोरिको को ढूंढ नहीं पाता। मित्सुको नोरिको के सामने आ जाती है, उसे वो मारने वाली थी। तभी कवाड़ा वहां पहुंचता है। हमें पता है कि कवाड़ा नोरिको को पसंद करता है तो उसे बचाने के लिए वहां आया हुआ था। मित्सुको वहां से भाग जाती है
और थोड़ी देर में नानाहारा नोरिको को ढूंढ लेता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें हीरो की फेस से दिखाया जाता है। हीरो की एक लड़की को ढूंढ रहा था, ये लड़की उसे मिल गई पर ये बहुत ही डरी हुई थी। उसने डर कर हिरोकी पर बहुत सारी गोलियां चलाई और उसे मार डाला। हिरोकी ने मरते मरते कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था। ये सुनकर लड़की को बहुत बुरा लगता है, ये बहुत रोती है, कहती है कि अगर तुम मुझे पसंद करते थे तब तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। मित्सुको भी यहाँ पहुंच जाती है और इस लड़की को मार डालती है। मित्सुको हमारा बहुत ही डेंजरस कैरेक्टर है, किसी को भी मारने में उसे कोई भी गलत नहीं लगता। इस तरह से क्यों है यह हमें उसके एक फ्लैशबैक में पता चलता है। जब वो छोटी थी तब उसकी मदर हमेशा नशे में धुत रहती थी। उसके पास आकर एक आदमी गलत सी बातें कर रहा था, उसे टच करने वाला था, पर छोटी मित्सुको ने उसे धक्का दे दिया। स्टेयर से नीचे गिरकर वो आदमी वहीं मर गया। उसका चाइल्डहुड बहुत ही हार्ड रहा है। इसके बाद हम देखते हैं मित्सुको और किरियामा एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। ये दोनों बहुत ही टफ है, एक दूसरे को भारी पड़ते हैं, पर लास्ट में किरियामा उसे मार डालता है। फिर से हमें हैकर्स और उसके फ्रेंड दिखाए जाते हैं। हैकर एक प्रोग्राम बनाता है और कवाडा के पूरे सिस्टम को हैक कर लेता है। कवाडा और उसकी टीम को पूरे सिस्टम को शट डाउन करना पड़ता है। अब इनका नेक्स्ट प्लान है कि जो बॉम्ब उन्होंने बनाया है वो कवाडा के पास लेकर जाएंगे और पूरी बिल्डिंग को उड़ा देंगे। ये सब लोग जाने वाले थे तभी वहाँ किरियामा पहुंच जाता है। हैकर के सब फ्रेंड्स को मार डालता है। हैकर किरियामा को ऐसे ही जाने नहीं दे सकता। जिस बॉम्ब को उसने बनाया था इसी बॉम्ब को एक्टिवेट करता है और ब्लास्ट कर देता है। इस बॉम्ब की स्मोक को देखकर वहां पर नोरिको, नानाहारा और जॉन पहुंचते हैं। यहाँ पर वो देखते हैं तो किरियामा अभी भी चल रहा है। बॉम्ब की वजह से वो अंधा हो चुका है पर फिर भी चल फिर सकता है। जॉन जब किरियामा के पास जाता है तो किरियामा उसे शूट करने लगता है। लास्ट में जॉन उसे उड़ा देता है। इन दोनों की जब फाइट चल रही थी तब जॉन को भी कुछ गोलियां लग गई थी। इस गेम में अब सब लोग मर चुके हैं। जॉन, नोरिको और नानाहारा ये सिर्फ तीन ही लोग बचे हुए हैं। इस समुन्दर के पास आते हैं और सोचते हैं कि अब इन्हें क्या करना चाहिए। जॉन कहता है कि तुम लोग बहुत ही भोले हो, मेरे प्लान के लिए तुम परफेक्ट थे। मैं जब इस आइलैंड पर आया तभी मैंने डिसाइड किया था कि मैं यहाँ से जीतने वाला हूँ। जॉन की गोलियां चलाने की आवाज फिर हमें आती है। इन सब के गले में डिवाइस है, इस डिवाइस से कवाडा इन सब की बातें सुन सकता है। कवाडा का सिस्टम खराब हो चुका है, उसे पता नहीं है कि नोरिको और नानाहारा अभी भी जिंदा है। जॉन को पता था कि कवाडा उनकी बातें सुन सकता है, उसने प्लान बनाया था। नोरिको और नानाहारा इस आइलैंड पर ही छुप जाते हैं। कवाडा डिक्लेयर करता है कि गेम अब ऑफिशियली खत्म हो चुका है। थोड़ी देर में हेडक्वार्टर तक जॉन पहुंच जाता है। कवाडा जॉन को खाना पीना देता है, बाकी सब लोग ऑलरेडी चले जा चुके हैं। सब लोग के जाने के बाद नोरिको और नानाहारा यहाँ आते हैं। कवाडा देखकर सरप्राइज नहीं होता, उसे पहले ही पता था कि जॉन का यह प्लान है। कवाडा फिर इन सबको एक पेंटिंग दिखाता है। इस पेंटिंग में सिर्फ नोरिको इस आइलैंड पर जिंदा है और सब लोग मर चुके हैं ये पेंट किया हुआ है। कवाडा अपने ट्विस्टेड वे में उससे प्यार करता है तो नोरिको को वो बचाना चाहता था। नोरिको को वो हमेशा से प्रोटेक्ट ही कर रहा था। जो बिस्किट नोरिको ने नानाहारा को दी थे वो कवाडा ने छीन लिए थे। उसकी फैमिली भी उससे प्यार नहीं करती थी, उसे अब जीने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहा है। वो इनको कहता है कि मुझे मार डालो, नानाहारा उसे नहीं मार सकता। कवाडा अपनी गन निकालता है और नोरिको पर रखता है। नानाहारा फिर उसे मार डालता है। कवाडा के हाथ में जो गन थी वो एक टॉय गन थी। गोली लग कर कवाडा नीचे गिरता है। इनके ऑफिस में कवाडा के लिए फोन आता है, सब कुछ ठीक है या नहीं ये वो पूछना चाहते हैं। गोली लगने के बाद भी कवाडा उठता है और इन्हें कहता है कि सब कुछ ठीक है। वो चाहता है कि नोरिको सेफ रहे, सब कुछ ठीक है ये कहकर वो मर जाता है। आइलैंड में एक शिप वो ढूंढ लेते हैं और जॉन उसे सही डायरेक्शन में लेकर जाता है। जॉन बहुत ही इंजर्ड है तो नानाहारा को कहता है कि इसी डायरेक्शन में तुम स्टीयर करते रहना। वो फिर नीचे गिरकर रेस्ट करता है। जॉन अपनी गर्लफ्रेंड को याद कर मर जाता है। अब नानाहारा और नोरिको ये दोनों बच चुके हैं। गवर्नमेंट को पता है कि दोनों एस्केप हो चुके हैं। वो इन दोनों को ढूंढने की कोशिश करते हैं पर ये दोनों विजिलेंटी की तरह घूमते हैं, किसी की भी नजर में नहीं आते। नानाहारा लास्ट में हमें कहकर जाता है कि जब तक हम जिंदा है तब तक हम फाइट करते रहने वाले हैं। यानी कि नानाहारा जिस पर बिलीव करता है, नोरिको को उसे बचाना है तो इसके लिए हमेशा वो ट्राई करते रहने वाला है। यही मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत सारे इस तरह की मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिए। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।